भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और नया साल शुरू हो चुका है और विवाद भी शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, खेसारी लाल यादव और विवाद हमेशा एक दूसरे का पीछा कभी नहीं छोड़ते। अब यह हुआ है कि रितेश पांडे का गाना आया था गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे, और उसी से भाई रितेश पांडे के जो स्टारडम को एक और बूस्टअप मिला था। और अब खेसारी लाल यादव का एक गाना है, गाने का नाम है गोरी तोरी चुनरी बा झलकौआ। जी हाँ, इस गाने में को अगर आप ध्यान से सुने तो उस बैकग्राउंड में एक आदमी कहता है कि क्या ये पुराना वाला है, तो खेसारी उस चीज़ को क्लियर करते हैं कि पुराना नहीं, ये खेसारी वाला है। और अब रितेश पांडे की फैन फॉलोइंग है कि खेसारी लाल यादव पर टूट पड़ी है। भाई कह रही है कि खेसारी लाल यादव तो शुरू से ही चोरी किया हुआ गाना गाते हैं, और अब उन्होंने हद कर दी है कि रितेश का फेमस गाना चुरा कर उसी तर्ज पर गाना बनाकर उन्होंने अपना गाना हिट करवा लिया है। आपको हम यहाँ ये बता दें कि जो गाना रितेश पांडे ने गाया है वो तो खुद उनका ओरिजिनल गाना नहीं है। जी हाँ, रितेश पांडे ने जो गाना गाया है उसे ऑलरेडी किसी ने गाया हुआ है। अगर आप गाने को ध्यान से सुनेंगे तो रितेश ने उस गाने में उस राइटर का नाम भी लिया है। और तो और, अगर आप थोड़ा सा YouTube में जाके सर्च करेंगे तो आप ये देखेंगे कि भाई रितेश से पहले तकरीबन 7 या 8 साल पहले ये गाना कोई और गा चुका है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये रितेश का ओरिजिनल गाना है? भाई रितेश खुद कहते हैं कि ये उनका ओरिजिनल गाना नहीं है। लेकिन हाँ, आप यहाँ ये जरूर कह सकते हैं कि रितेश ने इस गाने को पहले गाया, लोगों ने इसे पहले पसंद किया, और अब उसी तर्ज पर खेसारी लाल यादव ने ऐसा ही गाना गाया जिसे लोग आज बहुत पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन इस गाने में खेसारी ने पहले ही क्लियर किया है कि ये खेसारी वाला गाना है, न कि रितेश वाला गाना है, तो इसमें कन्फ्यूज़न कहीं से क्रिएट नहीं होती है। और वैसे भी इसमें नया क्या है? भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा से ये होता आया है कि गाना कोई और गाता है, क्रेडिट कोई और ले जाता है, फिर उसी तर्ज पर करोड़ों गाने बन जाते हैं। हाँ, बस बात ये होती है कि अगर फेमस गाना है तो आप पकड़ में आ जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत जगह बज चुका है। अगर वो गाना फेमस नहीं हुआ और फेमस सिंगर ने नहीं गाया है और आप एक बड़े सिंगर होकर गा देते हैं और फेमस हो जाता है, तो भाई लोग वहीं पर कहते हैं कि क्या गाना गाया है। लेकिन ये तो हमेशा से होता आया है भोजपुरी इंडस्ट्री में कि एक फेमस गाने के पीछे कई कहानियां होती हैं, उसे ऑलरेडी कोई गा चुका होता है फिर कोई गाता है, और हमेशा इसमें बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को निगल ही जाती हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।